तो टेलीकॉम सेक्टर को, हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को, सबसे ज़्यादा जियो को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है कि अडानी के साथ कोलैबोरेशन होगा और तब स्टारलिंक आएगा। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, एलन मस्क बिजनेसमैन है, हमारे वाले को कौन सा काम है, वो बिजनेसमैन ही है। स्टारलिंक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, एलन मस्क ने साथ दिया, एलन मस्क अब सरकार में है, उनकी कंपनी है स्टारलिंक, वो सीधा इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं, अब भारत में आएंगे। मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्गली पुश करेंगे भारत में। भारत में जो लास्ट विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का, उसमें भी उनको साथ में आना था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि स्टारलिंक पे क्लियरिटी नहीं थी। अब स्टारलिंक के आने से क्या असर पड़ेगा? देखो, पहली बात तो स्टारलिंक में ना तो कोई वायर बिछेगी, ना कोई फाइबर केबल है, वो तो उस पर कोई खर्चा वर्चा नहीं है, जैसे जियो की केबल बिछी हुई है पूरे देश में, एयरटेल की हैं, ठीक है, वैसा उसका कुछ नहीं। तो टेलीकॉम सेक्टर को, हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को, सबसे ज़्यादा जियो को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, एयरटेल को भी होगा। अडानी सिर्फ डाटा में है, अभी तक टेलीकॉम में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे लगता है जो हमारी टेलीकॉम पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको हमारी हिंदुस्तान की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। एफडीआई का जो रूल है, उसके थ्रू, लेकिन वो एफडीआई का रूल कई जगह आप 100% कर सकते हो और कई सेक्टर्स में आप नहीं कर सकते, तो टेलीकॉम में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखो कि इसका बेनिफिशियरी कौन बनेगा। आजकल कौन ट्वीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, अच्छे अच्छे वाह सर मजाक आ गया, मतलब वो वाले, वो आप चेक कर लेना, आपके दर्शक चेक कर लेंगे कौन कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऑलरेडी टेलीकॉम के प्लेयर्स हैं उनसे कोलैबोरेशन नहीं होगा। अच्छा, यानी रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनसे नहीं होगा, नहीं होगा। अडानी उतरेंगे मैदान में, ऐसे संभावना लगती है मुझे कि अडानी के साथ कोलैबोरेशन होगा और तब स्टारलिंक आएगा। अब ये देखना है कि इसमें मुकेश भाई क्या करेंगे। अडानी ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, उन्हीं का भी आप जिक्र करते हैं, उनका ट्वीट भी है मेरे ख्याल से, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे उन्होंने बधाई भी दिया है। तो ये तो हो गई बिजनेस घराने की बात और बाकी चुनाव की। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है स्टारलिंक, स्टारलिंक को हल्के मत लेना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हल्के और अमेरिका जो है ना, आजकल पता क्या है, पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज्यादा है। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, एलन मस्क बिजनेसमैन है, हमारे वाले को कौन सा काम है, वो बिजनेसमैन ही है।